तो दोस्तों HBL पावर ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंतर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी ने इस क्वार्टर में आपको डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। 45 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी इस क्वार्टर में आपको डिविडेंड भी देने जा रही है। तो याद रखिएगा, कंपनी को 45 पैसे का डिविडेंड इस क्वार्टर में अनाउंस किया गया है। ये PDF कंपनी की तरफ से थोड़ा सा उल्टा दिया गया है, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। डाटाबेस के लिए लाख में दिया हुआ, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल ऑपरेशन जो कंपनी ने रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 332 करोड़ के आसपास, पिछले साल 373 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 402 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 9% के आसपास की तेजी है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 20% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बहुत तगड़े तरीके से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 304 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 331 करोड़, अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 370 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है वैसे ही कंपनी का खर्चे भी इस क्वार्टर में थोड़े से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या बन क्या निकलता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 22.5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, पिछले साल 32.5 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 35 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 8% के आसपास की तेजी है। लेकिन वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिली, अप्रोक्सीमेटली 55% के आसपास का जंप है क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। चलिए EPS देख लेते हैं। EPS क्या है पिछले क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर में 0.86, पिछले साल 1.21, अभी देखें तो 1.26 के आसपास है। तो कंपनी के नंबर तो अच्छे हैं क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल दोनों बढ़ता हुआ देखने को मिला है और कंपनी का प्रॉफिट भी साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से नंबर पॉजिटिव है, ऊपर से कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है तो मेरे हिसाब से नंबर पॉजिटिव है। शेयर ऑलरेडी भागा हुआ है तो थोड़ा सा उसके लिए भी तैयार रहिएगा, क्योंकि अच्छे नंबर के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है तो उसको भी ध्यान में जरूर रखिएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।